सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माड़ा में कनेक्टिविटी परियोजना का शिलान्यास करने के बाद में एक जनसभा को संबोधित किया। बद्रीनाथ में उनका रात्रि प्रवास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने माड़ा गांव में सड़क और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके बाद उन्होंने आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री की जनसभा माड़ा गांव में आर्मी कैंपस के पास में आयोजित की गई है। जनसभा में 1500 से 2000 लोग जुटे हैं। मुख्य रूप से देश के अंतिम गांव माड़ा के भोटिया जनजाति के ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं दूरस्थ से स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है।